सूचना असीमित चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मकौ तोतों के बारे में जानकारी साझा करेंगे। मकौज नई दुनिया के तोतों का एक समूह है जो लंबी पूंछ वाले और अक्सर रंगीन होते हैं। वे एविकल्चर में या साथी तोते के रूप में लोकप्रिय हैं। हालांकि जंगली में कई प्रजातियों के बारे में संरक्षण संबंधी चिंताएं हैं। तोता परिवार सिटासिडाए में मकौज शायद सबसे आसानी से पहचाने जाने वाले पक्षी हैं। रंगीन और मनोरंजक, इन पक्षियों को सैकड़ों वर्षों से पालतू जानवर के रूप में रखा गया है। कई अन्य तोतों के विपरीत, मैकॉ के चेहरे पर आमतौर पर नंगी त्वचा के हस्ताक्षर पैच होते हैं जो आकार और रंग में भिन्न हो सकते हैं। जबकि हड़ताली पक्षी वास्तव में सुंदर हैं, उन्हें पालतू जानवरों के रूप में रखना आसान नहीं है। उन्हें न केवल एक बड़े रहने वाले क्वार्टर की आवश्यकता होती है, बल्कि अपना विश्वास अर्जित करने के लिए लंबे समय की भी आवश्यकता होती है। लेकिन एक बार जब आप उस सड़क को पार कर लेते हैं, तो मैकॉ तोते अब तक के सबसे स्नेही और वफादार पालतू जानवर हैं। ये पक्षी चरित्र होते हैं, प्रत्येक के अलग अलग व्यक्तित्व, पसंद और नापसंद होते हैं। अपने आकार के कारण मैकॉ की देखभाल करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन सही मालिकों के लिए वे वफादार साथी हैं जो समय की प्रतिबद्धता के लायक हैं। तोता परिवार के इन चंचल सदस्यों के बारे में कुछ मजेदार तथ्य यहाँ दिए गए हैं। 370 से अधिक विभिन्न प्रकार के तोते हैं और मैकॉ सबसे बड़े हैं। मैकॉ का वजन आमतौर पर 2 से 4 पाउंड के बीच होता है, जो एक पक्षी के लिए काफी भारी होता है। मैकॉ का सबसे बड़ा जलकुंभी मैकॉ चोंच से पूंछ की नोक तक लगभग 3.5 फीट लंबी लंबाई तक पहुंच सकता है। इसके अलावा वे 60 इंच तक के प्रभावशाली पंखों का दावा करते हैं। जबकि मैकॉ को व्यापक रूप से सबसे बड़े तोते के रूप में जाना जाता है, यह ध्यान देने योग्य है कि कई अलग अलग प्रकार के मैकॉ हैं जो विभिन्न आकारों में आते हैं। छोटे मैकॉ, जिन्हें प्यार से मिनी मैकॉ के रूप में जाना जाता है, कभी कभी मध्यम आकार के शंकु या बड़े पैराकेट के आकार के बारे में केवल 12 इंच की लंबाई तक बढ़ते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कितने बड़े या छोटे हैं, सभी मैकॉ जलकुंभी मैकॉ के अपवाद के साथ कुछ सामान्य विशेषताओं को साझा करते हैं। सबसे प्रमुख उनकी आँखों के चारों ओर त्वचा के नंगे छल्ले हैं। कई लोगों के लिए यह मैकॉ के बीच सबसे पहचानने योग्य विशेषता है। जब ठीक से देखभाल की जाती है, तो कुछ मैकॉ प्रजातियां, जैसे कि नीले और सोने के मैकॉ, औसतन 60 साल तक जीवित रह सकते हैं, और कई को 80 साल या उससे भी अधिक तक जीवित रहने के लिए दर्ज किया गया है। जो लोग एक प्रकार का तोता अपनाने में रुचि रखते हैं, उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ता से आगाह किया जाता है कि वे अपने पालतू जानवरों की देखभाल के लिए पर्याप्त समय देने को तैयार हैं। इन पक्षियों के लिए अपने मालिकों से अधिक जीवित रहना कोई असामान्य बात नहीं है, इसलिए उनकी देखभाल के लिए वही प्रावधान करें जो आप किसी अन्य आश्रित के लिए करेंगे। मैकॉ की कई अलग अलग किस्में स्वाभाविक रूप से हैं। पालतू व्यापार में प्रजनक भी बोल्ड और रंगीन हाइब्रिड मैक बनाने में सक्षम हैं। हाइब्रिड मैकॉ के उदाहरणों में कैटालिना मैकॉ, हार्लेक्विन मैकॉ और कैमलॉट मैकॉ शामिल हैं। जबकि ये पक्षी पालतू जानवरों के मालिकों के बीच असाधारण रूप से लोकप्रिय रहे हैं, कई लोग संकर मैकॉ के प्रजनन का विरोध करते हैं, क्योंकि ये पक्षी जंगली में स्वाभाविक रूप से नहीं होते हैं। जलकुंभी मैकॉ में नारियल के खोल को फोड़ने के लिए अपनी विशाल चोंच में पर्याप्त ताकत होती है। उनकी प्रभावशाली ताकत के बावजूद जलकुंभी मैकॉ को उनके मीठे और स्नेही स्वभाव के कारण मैकॉ दुनिया के सौम्य दिग्गज के रूप में जाना जाता है, खासकर जब हाथ से खिलाए गए बच्चों के रूप में उठाया जाता है। अन्य प्रकार के मैकॉ में भी शक्तिशाली और प्रभावशाली चोंच होती है, जिससे उन्हें आक्रामकता या हार्मोनल व्यवहार के मुकाबलों के दौरान एक बल माना जाता है। यह एक प्रमुख कारण है कि आमतौर पर केवल उन लोगों के लिए मैकॉ की सिफारिश की जाती है जिनके पास बड़े तोते रखने का अनुभव होता है। कई प्रकार के तोते मानव भाषण की नकल करते हैं। कुछ तोते, जैसे नीले और सोने के तोते, दूसरों की तुलना में अधिक आसानी से वाक्यांश सीखने के लिए जाने जाते हैं। हालांकि
सभी मेका सिटी और घरेलू शोर की नकल करके या शब्दों को बोलकर मुखर होना चाहेंगे। एक सुव्यवस्थित शरीर और पूंछ के आकार और पंखों के साथ जंगल में पेड़ों के माध्यम से उड़ने के लिए मैकॉ को अनुकूलित किया जाता है जो गहराई से नहीं फड़फड़ाते हैं। जब वे उतरने के लिए आते हैं तो वे अपनी पूंछ और पैरों को नीचे की ओर गिराते हैं और अपने पैरों से एक पच को पकड़ने से पहले ब्रेक की तरह अपने पंखों का उपयोग धीमा करने के लिए करते हैं। को उनके रंग संयोजन के कारण सबसे सुंदर प्रकार के तोतों में से एक माना जाता है। वे ज्यादातर बोलिविया के उत्तरी भागों में देखे जाते हैं। ब्लू थ्रोटेड मैकॉ को कैनेट मैकॉ या वैगुलर मैकॉ के रूप में भी जाना जाता है। हालांकि पालतू व्यापार के कारण प्रजाति गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। ब्लू थ्रोटेड मैकॉ लगभग 85 सेमी का होता है और इसका वजन लगभग 900 ग्राम होता है। वे बड़ी हथेलियों के फल खाना पसंद करते हैं। अभी तक केवल 350 से 400 प्रजातियां ही जंगल में रहती हैं, लेकिन सरकार को इन तोतों के लिए पालतू व्यापार पर व्यापारिक प्रतिबंध लगाने की जरूरत है, नहीं तो ऐसे जानवर होंगे जो हमेशा के लिए गायब हो सकते हैं। और दोहराने के लिए, सभी तोतों की तरह मैकॉ को सामाजिक संपर्क और सामाजिककरण की आवश्यकता होती है ताकि वे ऊब न जाएं। एक ऊबा हुआ एक प्रकार का तोता किसी भी लकड़ी को चबाएगा जो उसे मिल सकता है, और इसकी शक्तिशाली चोंच के साथ इसका मतलब गंभीर विनाश हो सकता है। आशा है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। हमारे पास विभिन्न विषयों पर 150 से अधिक वीडियो हैं, जिन्हें लाइक और सब्सक्राइब करें।